नमस्कार दोस्तों, जब शेर भूखा होता है तो सबसे पहले वह अपना भूख मिटाने के लिए यह नहीं देखता है कि उसका शिकार छोटा है या बड़ा है। वह अपना शिकार कर भूख मिटाता है और उस वक्त शेर अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने शिकार पर फोकस करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी अपनी जिंदगी में अच्छा बनना है तो आपको उस भूखे शेर की तरह बनकर अपने कार्य पर फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी मोटिवेशन बिजनेस स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसे जानने के बाद आप भी अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान जब कोई बिजनेस या कारोबार शुरू करता है तो उसको बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा असफलता देखने को मिलती है। शुरू के समय में तो और भी ज़्यादा असफलता देखने को मिलता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। लेकिन बिजनेस में सफल होने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप अपने जीवन में अपना कर आप अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में दो लड़के रहा करते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती थी कि गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो बच्चों की बातें किया करते थे। एक लड़के का नाम सूरज था तो दूसरे का नाम दीपक था। सूरज पढ़ने में दीपक से तेज था, उसकी स्कूल में बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। वहीं दीपक को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था। समय बीतता गया, सूरज पढ़ाई में तेज तो था ही, जिसके कारण उसका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में हो गया। वह अपने गांव को छोड़कर शहर चला गया। अब दीपक अकेला हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह अब क्या करे। एक दिन वह अपने गांव के एक अमीर व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, पर वह अमीर होने के कारण किसी को पसंद नहीं करते थे। वह सभी को नीचा दिखाते थे। दीपक को भी उन्होंने काफी नीचा दिखाना शुरू कर दिया। दीपक को यह बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसने अमीर व्यक्ति से एक वादा किया। दीपक ने कहा कि आने वाले 5 साल में मैं पूरे जिले का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखा दूंगा। यह सुनकर वह अमीर व्यक्ति ने दीपक का और ज्यादा मजाक उड़ाने लगा। वह अपने घर गया और उसके बारे में सोचने लगा कि वह अमीर कैसे बन सकता है। कुछ समय के बाद उसे पता चला कि वह बिजनेस करके अमीर बन सकता है। वह एक बिजनेस को शुरू किया, लेकिन उस बिजनेस में वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन वह उस शेर की तरह हो गया था, इतना व्याकुल था कि वह अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा लेता, ये दिमाग में उसकी हमेशा बातें रहती थी। जितने पैसे उसने बिजनेस में लगाए थे, सारे पैसे उसके डूब गए। इसको देखकर गांव के लोग कहते थे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं किए और तुम्हारे सारे पैसे डूब गए। अगर अच्छे से पढ़ाई किए होते तो आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होती। दीपक किसी दूसरे की कोई भी बात नहीं सुनता है, बस वह अपने काम को करता जाता है। वह करीब 10 नए बिजनेस को किया, लेकिन हर एक बिजनेस में उसे असफलता हाथ लगी। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे यह हुआ कि इस तरह से जितनी भी उसने इस बिजनेस में गलतियां की थी, उन गलतियों से सीख लेते हुए वह अब एक नया बिजनेस शुरू करता है। यह बिजनेस था जूता चप्पल बनाने का। इस बिजनेस में जूता चप्पल बनाने का काम था। जब दीपक के गांव वालों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी होती है तो दीपक का और ज़्यादा मजाक वहां की पब्लिक उड़ाने लगती है। लेकिन दीपक ने किसी की एक न सुनी।
समय बीतता गया बीतता गया। दीपक ने जो कुछ भी अपने पुराने बिजनेस से सीखा था उसे इस्तेमाल करते हुए और कुछ नई जानकारी को मिलाकर इस बिजनेस को इतना आगे बढ़ा दिया कि वह काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। अब 5 साल पूरे भी हो चुके थे। उस घमंडी अमीर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से किसी बिजनेस के सिलसिले में दीपक मिलाने के लिए लेकर आता है। जो व्यक्ति इस घमंडी व्यक्ति से अमीर था वह खुद ही घमंडी व्यक्ति के घर आता है। दोस्तों, अब सूरज भी अपनी पढ़ाई करके गांव वापस आ जाता है। अभी तक उसे कोई नौकरी भी नहीं मिली होती है। वह अभी नौकरी की तलाश कर रहा होता है। एक दिन करीब 25 गाड़ियां एक के पीछे एक करके सूरज के गांव आई। उस घमंडी के दरवाजे पर सारी गाड़ियां आकर रुकी। वह घमंडी व्यक्ति और ज्यादा घमंड कर रहा था क्योंकि उसने सोचा कि जिले का सबसे अमीर व्यक्ति उसके दरवाजे पर आया है। लेकिन वह देखता है कि उस गाड़ी से दीपक उतरता है जो कि अब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन चुका होता है। यह देखकर उस घमंडी व्यक्ति को वह बातें याद आ जाती हैं जो उसने दीपक को कही थी। अपनी कही हुई बातों से बहुत शर्मिंदा होता है। यहाँ पर दीपक उस अमीर व्यक्ति से उसका बिजनेस खरीदने आया था जो बिजनेस अब डूब रही थी। दीपक सूरज से भी मिलता है। दीपक सूरज को अपने साथ काम करने के लिए कहता है जिस पर सूरज तैयार हो जाता है। दीपक सूरज को उस अमीर व्यक्ति का बिजनेस दे देता है। इसके बाद दीपक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वह बस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है। दोस्तों, इस मोटिवेशन कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे जितनी बार असफल हो पर आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही आपको किसी दूसरे की बुरी बात को भी नहीं सुननी चाहिए जैसा दीपक ने इस कहानी में किया है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से आप भी अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। इस कहानी को अपने जीवन में अपना कर आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने बिजनेस को काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।